صلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. इन रखने वाले और जहरी लबन नहीं हो सकते। आदमी जिंदगी का बेहतरीन और खुशगवार मौका है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ और अपने रब से दुआगो हूँ कि या रब, ये इल्तजा है, काम तू अगर करे वो बातें जुबान पर जो दिल पे असर करे, और अपने रब से दिल पे असर करे। आज किस तकरीब में मेरा मौजू सुखन है इनकी अहमियत और फजीलत। ये मौजू मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले जो वही नाजिल हुई है वो इन्हें से मुतल्लिक है, इन्हें से मुतल्लिक है। इनमें एक अनमोल खजाना है, इनमें गलाजवाल दौलत और बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है। साहिब मिलकात ने बोली खूबसूरत बात लिखी कि इलम दिले मोमिन ने एक ऐसा नूर है जो मिशकात नबूवत के चागू से लिया गया है। इनमें एक ऐसा नूर है जो दिले मोमिन को तबिंदा रखता है। इनमें एक ऐसा नूर है दिला दिमाग को रोशन बनाता है। इनमें एक ऐसा नूर है जो कामुल की किस्मत संवारता है। इनमें एक ऐसा नूर है, इनमें एक ऐसा नूर है जो अपने चाहने वालों के मुस्तकबिल को संवारता है। इनमें एक ऐसा नूर है जो अपने चाहने वालों को दहशा बनाता है। इसीलिए इरशाद है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, मर्द और औरत पर फर्ज है कि सादत सियादत इबादत है, दौलत है, बसीरत है, ताकत है, इन मोतम समीन और हाजिलीन। इनमें एक रोशनी है, इनमें एक नूर है, इनमें एक काविश है, इनमें एक अनमोल खजाना है, इनमें एक मीनान है, इनमें एक एहतराम है, इनमें एक सकून है, इनमें एक इबादत है, इनमें एक शऊर है, इनमें एक मीनान है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई से लगाया जा सकता है। जब कोई शख्स घर से इलम की तलाश में निकलता है तो राह खुदा में होता है, जब तक वो पलट ना आए। अगर हमारा इरादा नेक है, हमारी नीयत खालिस है, हमारा अज़्म जवां है, तो हमारा ये ईमान है कि हम के मुकद्दस शमा नासिर हमारे दिल को रोशन करेगी बल्कि हमारे मुस्तकबिल को भी रोशन बना देगी, क्योंकि इल्म की शमा को रोशन जो किया करते हैं जिंदा रहते हैं हमेशा, वो कहाँ मरते हैं वो